आज मैं आपके लिए लाई हूँ व्रत की ऐसी स्पेशल रेसिपी जिसे आप एक बार खाएंगे ना तो इसका टेस्ट आपको इतना पसंद आएगा कि बिना व्रत के भी आप इसको बनाकर खाएंगे। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो रेसिपी के लिए पैन में डालेंगे 2 कप के करीबन पानी, तो फ्लेम आपको मीडियम रखना है, और इसी में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीबन घी। तो व्रत की रेसिपी है इसलिए मैंने घी लिया है, थोड़ा सा अदरक बारीक कटा हुआ, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ के साथ धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, और इसमें डालेंगे हम सेंधा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च। तो इसी के साथ यहाँ पर मैंने लिया है समा के चावल का आटा, क्योंकि व्रत की रेसिपी है तो पानी में जब उबाल आ जाए उसके बाद ही आपको इसको डालना है। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी जो है गांठ ना पड़े। तो ये देखिए इस तरीके से मिक्स हो चुका है, 1 मिनट मैंने पकाया है इसे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मैश किए हुए 2 मीडियम साइज़ के आलू। तो आलू को डाल करके ना आपको इसको 1 से 1.5 मिनट अच्छे से पका लेना है मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से जब मिक्स हो जाएगा ना तो उसको आपको निकाल लेना है प्लेट में। तो प्लेट में आप इसको फैला दें और ये जो हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। तो आप चाहें इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसे नॉर्मली ऐसे ही कट कर लिया है। तो ये देखिए मैंने इसे इस तरीके से कट कर लिया है। तो जो ये ठंडा हो जाएगा ना ये इस तरीके से जो है बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल जाएगा। तो इसको सेकने के लिए पैन में घी डालेंगे और घी में जो है इस तरीके से ये जो पीस है हम डाल देंगे और इसको दोनों तरफ ना बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रिस्पी करके सेक लेंगे। तो बिल्कुल क्रिस्पी सा आपको इसको सेक लेना है। तो एक साइड सेक चुकी है, दूसरी साइड भी मैं इसको सेक लूँगी। आप इसे जितना भी क्रिस्पी करके खाएंगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बस ये दूसरी साइड भी देखिए कितने अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है, बस इसे सर्व करेंगे गर्मा गर्म। तो ये एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है।